हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ऐसा कुछ लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं बर्थडे का व्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी हम आ पहुँचे हैं भूतनाथ महादेव के मंदिर पर। तो मेरे बर्थडे के दिन मैंने क्या क्या किया, उन सब चीज़ों के बारे में आज के व्लॉग में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, इस व्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, पहले तो है ना, मैं सुबह सुबह एकदम जल्दी से उठकर भूतनाथ महादेव के मंदिर पर आ पहुंची। मैंने सोचा कि चलो, मेरा बर्थडे है तो ऑफ कोर्स महादेव की ब्लेसिंग्स लेना तो बनता ही है। तो इस तरह से मैं अपने बर्थडे के दिन सबसे पहले भूतनाथ महादेव के मंदिर पर आ पहुंची। यहाँ पर आने के बाद महादेव के दर्शन कर मन को है ना एक अलग से ही शांति मिली। और जैसा कि आप अभी मेरे सामने देख सकते हो, मेरे सामने अभी स्वयं भूतनाथ महादेव विराजमान है। महादेव के दर्शन करने के बाद मैंने पूरे मंदिर की परिक्रमा करने की सोची। भूतनाथ महादेव का मंदिर काफ़ी विशाल और खूबसूरत है। इस पूरे मंदिर की परिक्रमा करते समय मैं है ना बस इस पूरे मंदिर को ही निहार रही थी। आज मेरा जन्मदिन है और महादेव के ब्लेसिंग्स लेकर मेरे जन्मदिन की शुरुआत करना, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पूरे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मैंने भगवान का चरणामृत लिया। भूतनाथ महादेव के इस बड़े से टेम्पल के अंदर एक और छोटा सा महादेव का टेम्पल भी है। तो मैं अभी महादेव के उस छोटे से टेम्पल में महादेव को जल चढ़ाने जा रही हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने महादेव को जल चढ़ाया। भूतनाथ महादेव के टेम्पल में केवल महादेव का ही नहीं, लेकिन और भी कई सारे देवी देवताओं के भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। और महादेव को जल चढ़ाने के बाद मैंने महादेव को कुछ पुष्प अर्पित किए। महादेव को जल चढ़ाने के बाद और महादेव को कुछ पुष्प अर्पित करने के बाद मैंने महादेव के पास एक लंबी सी प्रार्थना की। लेकिन आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं आपको मेरी विश नहीं बता सकती, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपनी विश जो आपने भगवान से मांगी है ना, वो अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो आपकी विश पूरी नहीं होती। तो इसी कारण से आई एम रियली सॉरी। लेकिन आपसे बहना मेरी विश क्या होगी, वो गैस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों, महादेव के दर्शन करने के बाद मैं है ना मंदिर के प्रटांगण में बस बैठी रही। एक बात तो है दोस्तों, मंदिर के आसपास के वातावरण में जैसी पॉजिटिविटी होती है ना दोस्तों, वो अलग ही होती है। मैंने अपने जन्मदिन की शुरुआत भूतनाथ महादेव की ब्लेसिंग्स लेकर की और महादेव की ब्लेसिंग्स लेने के बाद अब मैं यहाँ से वापस घर जा रही हूँ। अपने जन्मदिन के दिन सबसे पहली चीज़ भगवान के दर्शन करना, एक है ना अलग ही अनुभव है। आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, ये है मंदिर का गेट। तो दोस्तों, अभी जैसे कि आप सब देख सकते हो, हमारे घर में बन रहे हैं पकोड़े। ये देखिए, पहले मैंने आप सबके साथ चिप्स की रेसिपी शेयर की थी और आज पकौड़े की, पूरी तो नहीं वैसे, थोड़ी बहुत
कैसे तलते हैं उसको, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पार्टी हो रही है और साथ में यहाँ पर है चाय मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए यहाँ पर ये है सॉस, क्योंकि मुझे है ना पकोड़ों के साथ मुझे चाय अच्छी नहीं लगती इसीलिए। तो अभी हम है टेस्टी टेस्टी से पकोड़ों को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि मंदिर से घर वापस आने के बाद हमने पकोड़ों की पार्टी की, और पकोड़ों की एक बढ़िया सी पार्टी करने के बाद मैंने ना अपने गार्डन को थोड़ा सा ठीक करने का सोचा। और एक बात बताओ दोस्तों, वैसे तो आज मेरा जन्मदिन है तो सही, लेकिन मेरे जन्मदिन पर हमने कोई ऐसी बड़ी सी पार्टी नहीं की, या फिर घर पर हमने कोई केक नहीं लाया, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हमने बस एक सिंपल सी पकोड़ों की पार्टी की। और हाँ दोस्तों, हम है ना मॉल में भी गए थे, लेकिन मैंने मॉल का व्लॉग नहीं बनाया बाद में, क्योंकि मैं है ना तब हम दोपहर के टाइम पर गए थे और काफ़ी धूप थी, और साथ साथ हम जो हमारा जो फ़ोन है ना वो घर पे भूल के चले गए थे, और इतनी धूप थी तो ऑफ कोर्स मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो इसी कारण से मैंने तभी जब हम मॉल में गए तब मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था। और वैसे भी मॉल का व्लॉग बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मॉल तो सबने देखा ही हुआ होता है। और हाँ, आप जो भी ये पर्पल कलर की जो टी शर्ट देख रहे हो ना, ये मेरी दादी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट की। और क्या आपको पता है कि मेरे मोम और डैड ने मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट किया? एक्चुअली मेरे मोम और डैड ने मुझे है ना मेरे बर्थडे पर ढेर सारी किताबें गिफ्ट की। मतलब उनका कहना बस यही है कि बेटा बस तुम पढ़ो पढ़ो, तुम सिर्फ पढ़ो। और वैसे तो असलियत में हमें पढ़ना तो होगा ही। और वैसे तो मैंने ही मेरे मोम एंड डैड को बोला था कि मुझे मेरे बर्थडे पे मुझे बुक्स चाहिए गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि है ना मुझे रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है दोस्तों। एंड आई नो कि आप ये भी सोच रहे होगी कि मेरा जन्मदिन है तो मैंने अपने जन्मदिन पर केक क्यों नहीं मंगवाया। वेल एक्चुअली इस पर है ना मेरी खुद की एक थ्योरी है। और हाँ, थ्योरी बताने से पहले अभी अभी है ना एक चिपकली मेरे पैर पर से गुजरी। वैसे गुजरी तो नहीं थी, मेरे पैर पर आके पता नहीं कहाँ से आके चिपक गई थी। मैंने है ना लोगों को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि अगर आपके ऊपर चिपकली गिरे ना तो आप है ना बहुत ही लकी माने जाते हो। वैसे आई डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन हाँ मैं जो थियोरी बता रही थी ना मेरे केक ना लाने के बारे में, मैंने केक क्यों नहीं लाया और मेरा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं किया, उसके बारे में मेरी खुद की जो थ्योरी है ना वो मैं आपको बता रही थी। तो चलिए उस टॉपिक पर हम जुटे रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जब हम बर्थडे पे हमारा बर्थडे केक लेके आते हैं, तब बर्थडे केक्स में वो जो कैंडल नहीं होती, उस कैंडल को हम जलाते हैं और उस कैंडल को हम केक में लगाते हैं, ओके। और उसके बाद हम है ना उस जलाई हुई कैंडल को फूंक मारकर उसे बुझा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम उस कैंडल को फूंक मारकर बुझाते क्यों हैं? मतलब हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है ना वो ये होता है कि अंधेरे में से उजाला हमें करना है, लेकिन यहाँ पर हम कैंडल को बुझाकर उजाले में से अंधेरा कर रहे हैं। और इसी कारण से ये जो रस्म है ना, ये जो बात है ना, वो मुझे मतलब समझ नहीं आ रही कुछ। तो इसीलिए मैंने ना मेरे बर्थडे पे केक ऑर्डर नहीं किया है। मैं क्या करूँगी, मैं फिर और कभी दूसरे दिन केक खा लूँगी वैसे, लेकिन मैं मेरे बर्थडे पर तो केक ऑर्डर करने वाली हूँ ही नहीं।
और हाँ, दूसरा रीज़न ये है कि जब वो जो कैंडल है ना, उस कैंडल को हम फूंक मार कर बुझाते हैं ना, तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा फूंक मारने पर पूरे केक पर फैल जाता है। मतलब हमारे सलाइवा के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो पूरे केक में तो फैलने वाले तो है ही ना। तो इसी कारण से मुझे ये बात काफ़ी अनहाइजीनिक लगती है दोस्तों। और हाँ, एक और कारण है कि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, उसके बारे में भी मैं वो अपना लास्ट कारण जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आपका बर्थडे आता है तब आपकी उम्र एक साल बढ़ जाती है हर साल। तो उसका मतलब ये है कि अभी जब मेरा बर्थडे आया, तब मेरे बर्थडे के दिन मेरी जिंदगी का पूरा एक साल गायब हो गया, वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब आप ही मुझे बताएं दोस्तों, ऐसी बात में खुशी मनानी चाहिए या गम? कभी खुशी कभी गम। बाय द वे दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कई सारे ब्लेसिंग्स दी है, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सबका पूरे दिल से आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए, मेरी हमेशा की बकर बकर सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। और हाँ, एक बात और मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि दोस्तों, गार्डनिंग का जो ये पूरा कार्य होता है ना, कि बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला होता है। मतलब कि सच में बहुत ही थक गई थी मैं तब, लेकिन मुझे है ना, मेरे प्लांट्स के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने मेरे पूरे गार्डन में सभी प्लांट्स को वाटर दे दिया, सभी प्लांट्स को मैंने एकदम पानी से क्लीन कर लिया और पूरे गार्डन को भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटू सा बर्थडे व्लॉग। तो दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन था और आप सबने मेरे बर्थडे पर मुझे काफ़ी सारे बर्थडे विशेस दी, तो उसके लिए आप सबका बहुत ही शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं यहाँ पर ही एंड करना चाहूँगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और नई मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।